एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूँ पारुल चौधरी, फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे मेरे वीडियोस को। तो चलिए आज देखते हैं आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। तो बहुत दिन से रिक्वेस्ट थी लोगों की कि हमें कुछ मशीनों के बारे में बताओ, तो मैं आज उनके लिए लेके आई हूँ हमारे पार्लर में क्या क्या मशीन यूज़ होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम अपना ओजोन हाई फ्रिक्वेंसी। ये हाई फ्रिक्वेंसी है, ये पिंपल वाली स्किन के लिए होती है। इसमें टोनिंग वगैरह करनी होती है, इसकी वायर होती है, ये मिला के लगानी होती है। अगर आप जबरदस्ती इसको ठूसने की कोशिश करेंगे तो ये इसकी वायर अंदर की जो है टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। ये देखिए जैसे इसमें ये होल दे रखे हैं, उसके हिसाब से ये लगेगा इसमें मिला के। ये फेस के लिए होता है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम चलते हैं अपनी दूसरी मशीन की तरफ। ये हमारा गैल्वेनिक, ये पिगमेंटेशन के लिए होता है फेस की। तो आइए आपको इसका यूज बताते हैं। सबसे पहले इसकी वायर लगा लेते हैं। ये इसके इंस्ट्रूमेंट हैं, ब्लैक वाला ब्लैक में लगेगा। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। ब्लैक वाला ब्लैक में लगेगा, रेड वाला रेड में। ये है, आप कस्टमर को हाथ में दोगे। सब मशीनों का अलग अलग होता है तरीका। कई मशीनों में क्या होता है, कॉटन गीली करके उसको लपेट के तब हाथ में दिया जाता है कस्टमर्स के, लेकिन हमारी मशीन में डायरेक्ट आप हाथ में दे सकते हो कस्टमर के। और ऐसे कहोगे आप मुट्ठी और रिंग, हाथ में रिंग नहीं होनी चाहिए क्लाइंट के। जैसे मेरा ये हाथ खाली है, तो ऐसे पकड़ाओगे आप कस्टमर को अच्छे से। रिंग आप उतरवा लोगे कस्टमर से अपने, कि रिंग उतार दो। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। अब उसका टाइम सेट करेंगे, आपने जितने भी मिनट का देना है, जितना भी मिनट आपने सेट करना है फेस के अकॉर्डिंग। ये कम तेज करने का है। अभी मैं इसको कम पे रखूंगी। ये है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर आप क्लीन
कभी भी आप कोई भी मशीन चला रहे हो, आप अपने क्लाइंट्स को प्रेगनेंसी में कोई भी मशीन यूज़ नहीं करेंगे, कस्टमर के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की मशीन प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका क्लाइंट प्रेग्नेंट है, कंसीव कर रखा है उसने, तो आप उसको कोई भी ओजोन वाइब्रेटर कुछ भी कोई मशीन आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। लाइंस को देखते हुए उसको चलाओगे, स्किन में जो रिंकल बने हुए हैं लाइंस, वो किस डायरेक्शन में बने हुए हैं, तो आपने ये अपोजिट डायरेक्शन में चलाना है। ओके गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। तो बाकी जो ओजोन मशीन है उसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप आपको ये मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा मेरी वीडियोस में। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।